मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं स्टडी का भी कभी यूज़ कर रहा हूँ उसका। और इस वाले मैं ये वाला राउटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मैं ये वाला राउटर मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप सर्च करेंगे तो ये वाला जो राउटर है ये एयरटेल के 1 GBPS प्लान के साथ आता है। ये वाला जो राउटर देख रहे हैं ये 1 GBPS प्लान के साथ है। तो इस वाले राउटर में क्या एक प्रॉब्लम है, अगर आप सिस्टम टूल्स में जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये आपको ये वाला दिखेगा रिमोट मैनेजमेंट। ये क्या करता है, अगर आप कोई भी अगर होस्टिंग अगर कोई चलाए हुए हैं और आपके पास स्टैटिक आईपी है और उस स्टैटिक आईपी से अपने वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस वेब एड्रेस बार पे आईपी एड्रेस एंटर करने के बाद ये आपके वेब सर्वर में ना जाओ जाके ये आपके उसमें चला जाता है, राउटर के लॉगिन पेज में। दिखाता हूँ, ये मेरा ये पब्लिक आईपी है। अगर ये एंटर करता हूँ तो ये राउटर के लॉगिन पेज पे चला जाता है, ना कि सीधा उसके वेब सर्वर पर नहीं जाता है। और अगर देखें, ये आपको मैं दूसरे नेटवर्क पे दिखाता हूँ, तो जैसे ही तो अभी आप देख रहे हैं कि सीधा मैं अपने अपने वाईफाई में कनेक्टेड हूँ। अब मैं सीधा इसमें चला जाता हूँ मोबाइल पे। अब तो मैं जियो से कनेक्टेड हूँ, तो क्या करते हैं अपना पब्लिक आईपी ट्राई ट्राई करते हैं। तो ये मेरा पब्लिक आईपी है। अब ये देख रहे हैं कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आप हालांकि क्या होगा कि मेरा वेब सर्वर तो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो ये क्या करेगा, ये सीधा मेरे वेब सर्वर पे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने सेम कनेक्टेड कनेक्शन पे जाता हूँ जो कि मेरा इस राउटर से कनेक्टेड करता हूँ वाईफाई से, तो ये वाईफाई कनेक्टेड हो गया। अब ये देख सकते हैं कि सीधा ये राउटर के लॉगिन पेज पर चला गया। ये होता है रिमोट मैनेजमेंट का। अब ऐसा कोई ऑफ बटन तो है नहीं कि जिसे ऑफ कर सकते हैं, तो इसमें यही प्रॉब्लम है।